नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं आप लोगों के सामने एक प्रेजेंट करने वाला हूं और ये एक स्टॉक ऐसा है, स्टॉक का अगर मैं आप लोगों को नाम बताऊं तो एडवांस एंजाइम। और ये पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्ट करने के पीछे का रीज़न क्या था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था और इसके बारे में मैंने सुना कि ये कंपनी क्या क्या करती है और इन फ्यूचर इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होने वाली है, तो मुझे लगा कि ये जो साल है ये साल ख़त्म होने से पहले आप FD में, अगर बाय चांस अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप इस टाइम FD पे पैसा लगाते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो आपको रिटर्न जो बैंक देगी वो साल का 5 या 6% देगी। तो आप समझ सकते हैं अगर आप इस टाइम 21st of August को लगाते हैं तो आपको 21st of August 2021 को जाके 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा। बट ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें 35% तक का रिटर्न दे सकती है इस ये साल ख़त्म होने से पहले पहले। हाँ जी गाइस, ये हम लोगों को इस साल तक ख़त्म होने से पहले पहले 35% तक की ग्रोथ दिखा सकती है अपने स्टॉक प्राइस पे। और मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये जो एनालिसिस मैं आपके सामने कर रहा हूँ आप लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ इस कंपनी में कुछ तो ऐसा है। और एक आर्टिकल जो है वो मैं आप लोगों के सामने नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा ही आर्टिकल है, मैं आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, उस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा और उससे आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले एक बार फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले, बस थोड़ा बहुत ही हम देख रहे हैं कि वो क्या बताता है। तो अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर हेल्थ केयर का है, इंडस्ट्री फार्मा और ड्रग्स की है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये तो एक लाइमलाइट में ही है पर्टिकुलर सेक्टर और इंडस्ट्री जो भी चल रही है और ये साल भी बहुत बढ़िया करने वाली हैं ये कंपनियां। तो इसका मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका अराउंड 2600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। EPS PE रेशियो में जनरली ये सारी चीज़ें मैं देखता नहीं, मैं अब सीधा आप लोगों को फाइनेंशियल्स पर दिखाता हूँ जो काम की चीज़ है, ठीक है, जिसके बेसिस पे मैं अपना फंडामेंटल के थ्रू स्टॉक एनालिसिस करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फंडामेंटल पे अपना फोकस नहीं बढ़ाना। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा मेन मोटिव है बैलेंस शीट को ओपन करने का सिर्फ एक चीज़ देखने का है, दो चीज़ें बेसिकली देखने का है कि करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़ का रेशियो क्या है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, ठीक है। तो अगर मैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो आपको मैं अगर बताऊँ कि इन पर्टिकुलर चार में से क्या डेप्ट है और क्या इक्विटी है, तो आप लोग ये बात को ध्यान से सुनेगा। हम देखिए अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 पे हैं और इसका Q3 है, तो अब आप देख सकते हैं, मैं अभी सिर्फ क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, अभी जो इसका शेयर फंड है, शेयर फंड को हम इक्विटी पे इंक्लूड करते हैं प्लस जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है इसको हम इक्विटी लेते हैं और जो ये करंट लाइबिलिटी है इसको हम डेप्ट लेते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी को हम कुछ भी नहीं लेते, ठीक है। तो अगर मैं आपको इक्विटी बताऊँ तो इक्विटी हुआ 840 प्लस 28, तो हमारा इक्विटी कितना हुआ, हमारा इक्विटी हुआ 868 का, ठीक है। उसके मुकाबले हमारा जो डेप्ट है, जो करंट लाइबिलिटी है वो कितना है, 60, डेप्ट है हमारा 60, ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ क्या सजेस्ट कर रही है, अगर कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर कंपनी ने 10-15 रुपये का अपना खुद का पैसा लगा रखा है तो उसके मुकाबले 1 रुपये का उसने लोन ले रखा है, डेप्ट ले रखा है, मतलब 1 रुपये का उसने लोन ले रखा है और 15 रुपये उसने अपने खुद के लगा रखे हैं। सो मतलब एक बेसिकली मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो डेप्ट फ्री कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। अगर आपको मैं नीचे दिखाता हूं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का, तो करंट लाइबिलिटीज़ तो आप लोगों को यहां पर दिख ही रहा है, करंट लाइबिलिटीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताया 60 का, और अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो करंट एसेट्स कितना है, 376 का, ठीक है। तो मतलब अगर उसके पास 6 एसेट्स हैं तो उसके मुकाबले उसके पास 1 लाइबिलिटी है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब कंपनी बैलेंस शीट के मुकाबले और अपने एसेट्स के मुकाबले बहुत बढ़िया है, डेप्ट टू इक्विटी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल निग्लिजिबल टाइप है और ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अगर मैं आप लोगों को इसका PNL दिखाता हूँ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो कंसिस्टेंटली हर साल इंक्रीज कर रहा है, अभी 2016 में 77, 93, 94, 169, 133 इस साल का क्वार्टर पे था। सो कंसिस्टेंटली इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज कर रहा है। अगर हम कैश फ्लो पे चलते हैं तो बेसिकली मैं कैश फ्लो पे देखता हूँ कि कंपनी इनफ्लो कर रही है या नहीं कर रही है, सेल्स जितना बढ़ जाए अगर कंपनी इनफ्लो नहीं कर पा रही है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नीचे स्क्रोल करके, यहाँ पर आप देखिएगा
कि नेट चेंज होता है जो बताता है कि कंपनी के पास इन्फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। 2018 में कंपनी के पास इन्फ्लो था, फिर 2019 के क्वार्टर पे हमने देखा था कि आउटफ्लो हुआ, अब दोबारा हम देख रहे हैं कि कंपनी का इन्फ्लो हुआ है। ये कोरोना की वजह से भी कंपनी ने बहुत बढ़िया इन्फ्लो करा, मतलब कैश उनके पास जनरली आ रहा है। सो ये कंपनी पे बहुत ज़्यादा हम देख पा रहे हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। अगर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात बताऊं तो मतलब उनके पास कैश कितना फ्री है। सो आप देख सकते हैं कि 2019 में 23 करोड़ था और 2020 में 83 करोड़ है। सो मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 4 times इंक्रीज हो चुका है। सो कंपनी बेटर अच्छा कर रही है और इसके FIIs पे भी इनके पास स्टेक होल्डिंग अच्छी है, म्यूचुअल फंड्स के पास भी अच्छी है। सो अगर हम सीधा चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, आर्टिकल पे अगर मैं आपको हेडलाइन ही बताऊं तो एडवांस एंजाइम स्टॉक में राइज 40% इन 1 year टाइम फ्रेम, बट मुझे लगता है कि 35% ये 4 महीने में भी दे सकती है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है। ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, बस इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे होंगे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हम इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आते हैं सीधा अपने टेक्निकल एनालिसिस पे, ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है। अगर मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज में आप लोगों के लिए बना देता हूँ, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर रेंज है, इस ये मैंने मंथली चार्ट ओपन करा हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक मंथली चार्ट पे एक रेंज बना दी है। अब इस रेंज पे हमें क्या दिख रहा है, मैं आप लोगों को वो इंडिकेट करता हूँ। जो इस रेंज की स्टार्टिंग है, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट की जो डेट मैं अगर आपको बताऊँ तो वो है June 2018, ठीक है। तो मतलब जो ये रेंज के अंदर काम कर रहा था, इस रेंज के अंदर ये काम कर रहा है अप्रॉक्स, इसे 2 years हो चुके हैं, 2 साल से ये एक 100 रुपये की रेंज के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अब इवेंचुअली इसका मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आ रहा है, वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आ चुका है और क्लोजिंग भी दे चुका है पिछले हफ्ते ही। सो मतलब अब यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर नीचे आया, एक ट्रेंड नीचे था, एक चैनल बना है और चैनल के अप साइड का एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो अगर मैं ब्रेकआउट की टारगेट की बात करता हूँ तो प्रॉबेबली जो रेंज है इतना ही रेंज का हम एक टारगेट एक्सपेक्ट करके चलते हैं। बट हमें इतने टारगेट के लिए वेट नहीं करना, हमें क्यों पूरा टारगेट अचीव करना, हमें परसेंटेज वाइज से मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करता हूँ, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर अगर मैं ये फिबोनाची बनाता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि प्रॉबेबली इसका जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 50% का, 50% का फिबोनाची रेशियो जो कि आ रहा है अराउंड 305 का लेवल। यहाँ से 305 का लेवल मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट है और वहाँ तक आ सकता है। और अगर मैं आपको इस रेंज के ब्रेकआउट का रेंज बताता, मतलब 100 पॉइंट्स है और ये जो ब्रेकआउट आया वो अराउंड 220 के आसपास आया, तो इसका भी अगर मैं आपको 100 पॉइंट्स बताऊं तो वो 320 है। तो मतलब दो साइड से हमें बता रहा है कि 300 प्लस तक के टारगेट्स हम लोग इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसका ब्रेकआउट जो है वो अब आया है तो प्रोबेबली बहुत अच्छे तरीके से इसके टारगेट्स हिट हो सकते हैं। अगर मैं आपको इसका परसेंटेज वाइज बताऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ये नोट कर रहा हूँ, या इस साइड देखिएगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा स्टॉप लॉस है जो प्रीवियस क्लोजिंग है, ठीक है, और ये हमारा टारगेट है। अब आपको देखना है कि जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 75 पॉइंट्स का, जो कि 32.80% का प्रॉफिट है, और स्टॉप लॉस है हमारा 33 पॉइंट्स का। सो 33 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और उसके मुकाबले 75 पॉइंट्स का टारगेट है, और ये आप स्विंग ट्रेड मानिए चाहे कुछ मानिए, बट ये 35% तक का प्रोबेबली मुझे लगता है रिटर्न दे सकता है। और बहुत बढ़िया स्टॉक है, कंपनी फंडामेंटल्स बहुत अच्छा कर रही है, और इस स्टॉक में मुझे लगता है कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत जल्दी एक अच्छी मूवमेंट देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका पर्टिकुलर, आप यहाँ इस साइट पे देखिएगा कि एक रेंज जो मैंने आप लोगों के सामने बना रखी है, इस रेंज पे ये वीकली कैंडल क्लोज कर चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वीकली कैंडल है, ये वीकली कैंडल आप देख सकते हैं कि क्लोज कर चुकी है इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर। आप यहाँ देखिएगा जब से एक डाउनफॉल आया था इस लेवल से, कहीं पर भी हमने एक वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखी ही नहीं, बट यहाँ पर एक वीकली कैंडल की क्लोजिंग आ चुकी है। सो प्रॉबेबली मुझे लगता है कि इसका ये अगले महीने के अंदर, एक महीने के अंदर अंदर ही टारगेट 10% से ऊपर का होगा जो आप बना के चल सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पर बाइंग बना लिया अराउंड
230 के आसपास, और अगर मुझे कल ये 10-12 रुपए की डिप भी देता है तो भी मैं इसमें बाइंग बनाऊंगा। सो बेस्ट स्टॉक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस एक बार खुद भी कर सकते हैं, बट अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस पे भरोसा है तो थोड़ा अमाउंट अपना इस पर भी इन्वेस्ट करके एक बार देख सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि फुल अमाउंट इस पर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मैं सेक्टर एलोकेशन करता हूँ और मैं उन्हीं पर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करता हूँ। सो ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है, तो ये मत सोचेगा कि मैं इस पर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट पूरी सेविंग लगा दूँ, बट थोड़ा सा लगाइए और टेस्ट करिए, मुझे लगता है कि जो मेरी थ्योरी है वो सक्सेसफुल जाएगी और इस पे आप लोगों को भी फायदा हो सकता है। सो मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जैसी हमारी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पे आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड हो जाए। सो मैं शिवांश भसीन मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।